हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, अभी अभी रेलवे की तरफ से एक अपडेट निकल कर आई है जो कि आपका एनटीपीसी CVT 2 रिजल्ट के रिगार्डिंग है। जैसा कि मैंने परसों आपको एक वीडियो बता के बनाया था जिसमें आपको बोला था रेलवे आपका जो रिजल्ट है वो 15 तारीख तक आपको रिजल्ट जहाँ तक है देखने को मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग कुछ हलचल हमें देखने को मिली थी जो आपकी RRB की जो वेबसाइट है, जैसा कि मैं अभी आपको दिख रहा हूँ RRB जो भोपाल जोन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हूँ। जब आप इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये लिंक दिख रहा होगा आपको, 8 तारीख को जिस दिन आपका जो अपने एडमिट कार्ड जारी हुए थे, जो आप अपने लेवल 2, 3, 5 के एग्जाम होते हैं उसके लिए लिंक आई थी एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। तो ये लिंक थी एडमिट कार्ड की, इससे इसके ऊपर एक दूसरी लिंक आई थी जिसमें आपका जो CVT 2 का जो आपका पेपर हुआ था लेवल 6 का, लेवल 4 का, उसके रिजल्ट आया था, स्कोर कार्ड वगैरह, तो 2 लिंक आई थी। तो जब आप जो लेवल 6 का रिजल्ट था उस वाले स्कोर कार्ड वाली पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और जैसा कि हमें पहले भी ये इंटरफेस देखने को मिला था तो यहाँ कुछ नहीं बदला है। बट जब आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपका एडमिट कार्ड वाली लिंक थी लेवल 2, 3, 5 के लिए, तो यहाँ पर कुछ हमें अपडेट देखने को मिली, कुछ न्यू तरीके का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिला है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए डेस्कटॉप मोड पर इसको कर देता हूँ मैं। तो देखिए इस तरीके की चीज़ दिख रही है आपको, ये यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ लॉग इन टू व्यू CVT 2 स्कोर कार्ड क्वेश्चन पेपर फॉर लेवल 4 एंड 6 शॉर्ट लिस्टेड फॉर CVAT। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है, बट दोस्तों ये आज की डेट है यानी कि 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई आपको ये देखिए ऊपर दिख रहा होगा 14 जुलाई। बट जो मैंने परसों वीडियो बनाया तो यही लिंक क्या दिख रही थी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यही लिंक क्या शो कर रही थी। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं द एग्जाम हेल्पर के ऑफिशियल चैनल पर हूँ जो कि मेरा ही चैनल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस चैनल पर ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, और वो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो के सेक्शन में आप जाएंगे, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था NTPC से रिगार्डिंग, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने कुछ लिंक दिखाई थी वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी लिंक थी, ठीक है। चलिए ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा और आगे जाएंगे हम, ठीक है, ये देखिए थोड़ा इसको मैं थोड़ा इसको हाई करने की कोशिश करता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। यहाँ से 480p कर दिया मैंने, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने आपको बताया था वो क्या बता रहा था, ठीक है। इससे पहले जो आपकी लिंक थी ना, थोड़ा और पीछे करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको लिंक दिख रही होगी जो इसके पहले मैंने दिखाई थी, देखिए रिजल्ट वाली जो लिंक है 2, 3, 5 वाली, जब आप उस पर क्लिक कर रहे थे उस दिन आप उस वीडियो को देख रहे हो तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो उस पर ये लिखा रहा था 23/6/2000 से 27/6 तक ये एक्टिवेट थी, कौन सी वाली, नीचे वाली। और जब ऊपर वाली पे हमने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा था, ये तो आपका रिजल्ट वाला था जो आपके एडमिट कार्ड आए थे वाली, पर जो अभी इसके ऊपर मैंने वाली दिखाई थी ना, मैं जो लेवल 6 का स्कोर कार्ड वो तो सेम है, बट जो एक और लिंक थी वो बदल गई यहाँ पर, ठीक है, जो दूसरी वाली लिंक थी वो यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, ये वाली जो नीचे वाली लिंक थी ना वो बदल गई यहाँ पर, पहले कुछ इस तरीके का इंटरफेस था और अब जो मैं आपको दिखा रहा था अभी वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस था। तो दोस्तों जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए वही लिंक दिखाऊंगा ये 8/6 वाली, आप उस वीडियो को और अच्छे से क्लियर देखना है तो देख सकते हैं आगे। तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों तो कुछ इस तरीके का, जब वहाँ पर कर रहा था 23/6 से 27 तक वो एक्टिवेट दिखा रहा था, बट अभी मैं जब क्लिक कर रहा हूँ उस पर तो कुछ इस तरीके का हमें इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है दोस्तों इंटरनल इसमें कुछ चीज़ें चल रही हूँ इंटरनली, जो आपके RRB वेबसाइट है, RRB के जो वहाँ पर जो भी लोग लगे हुए वो इसमें कुछ हलचल कर रहे हो, क्या पता आपका रिजल्ट डालने की कोशिश कर रहे हो, और जब आपका रिजल्ट हो तो इसको हटा देंगे, लेवल 2, 3, 5 डाल देंगे और शॉर्ट लिस्टेड का नोटिस आ जाएगा, आपको क्लिक करना है तो वो हो जाएगा। क्योंकि जब लेवल 6 का इससे पहले ऊपर वाले जो लिंक है उसमें दिखा रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये डालने की क्या ज़रूरत थी। तो यानी कि कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिलने वाली है दोस्तों इस लिंक के थ्रू। तो देखते हैं अब क्या होता है, आपका रिजल्ट कल आता है या नहीं आता है, फिर कितना लेट होता है और होता है, या फिर ऐसा देखिए दोस्तों अगर इस मतलब कल नहीं आया, 20 तक नहीं आता, वैसे 20 तक हाईली चांस है, ठीक है, अगर नहीं आता तो आप मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो 10, 11 और 12 को, जो आपका गुवाहाटी जोन का लेवल 5, 2, 3 का पेपर है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको फिर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं फिर कल क्या उम्मीद है, कल मैं पूरा दिन इस पर मतलब वेबसाइट चेक करते रहूँगा, कोई भी अपडेट आएगी मैं तुरंत बता दूंगा। और टाइपिंग से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखा है चैनल पर, नहीं देखा है तो जाइए RRB NTPC की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको वो वीडियो ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना NTPC की पर्पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।